नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए हम बात करते हैं एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। आज का हमारा एजेंडा है, हम किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में एडिटिंग कर सकते हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार से एक्सेल में रो और कॉलम्स के साइज में बदलाव कर सकते हैं, उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किस प्रकार टेक्स्ट को रोटेट किया जा सकता है, कस्टमाइज्ड नंबर और डेट फॉर्मेट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। साथ ही हम बात करेंगे सेल को मर्ज कैसे किया जा सकता है, कोई कलर ऐड करना हो वो हम किस प्रकार कर पाएंगे। इस तरह के विभिन्न चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रो और कॉलम का साइज कैसे चेंज करें। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आपका माउस पॉइंटर एक विशेष प्रकार के एरोनुमा चित्र में, जैसा आप देख पा रहे हैं, एरोनुमा बदला हुआ है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जिस जब रो के हेडर में या कॉलम के हेडर में उसको ले जाएंगे, अपना माउस का बटन प्रेस कर करके आप उसको मूव कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। आपको कितना उसको आगे बढ़ाना है यह आप पर निर्भर करता है। अथवा रो या कॉलम के हेडर में ले जा करके आप डबल क्लिक कीजिए, उसको हम कहते हैं ऑटो फिट। वो ऑटोमेटिकली जो है आपको उस टेक्स्ट में, उस कॉलम में रखे हुए डेटा के अनुरूप उसकी साइज को कम या ज़्यादा स्वयं कर लेगा। यही चीज़ आप कॉलम के लिए कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप रो की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ाया घटा सकते हैं और रो की हाइट बढ़ाया घटा सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम रो और कॉलम की हाइट या विड्थ में बदलाव कर सकते हैं, आप रो के हेडर पर, हेडर अर्थात जहाँ पर रो का सीरियल नंबर दिया होता है, कॉलम का हेडर अर्थात जहाँ पर ए बी सी डी कॉलम के नाम लिखे होते हैं, इस पर जाकर के राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसकी विड्थ को बढ़ाया कम कर सकते हैं अथवा रो की हाइट, रो पर क्लिक करेंगे रो के हेडर पर तो उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगले बिंदु पर बात करते हैं किस प्रकार से सेल में रखे हुए डेटा को हम अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आपको चित्र के साथ दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का फॉर्मेट है जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है अथवा राइट अलाइनमेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार का हो सकता है, तो दोनों तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हम टेक्स्ट में टेक्स्ट को रोटेट अर्थात हॉरिजॉन्टल स्टाइल से अलावा भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है, तो वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। किस प्रकार से सेल, किसी एक सेल में या किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में रखे हुए डेटा का आप फॉर्मेट बदल सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है जहाँ पर एक और विभिन्न डेटा प्रकारों के नाम लिखे हुए हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा प्रकार में आप कैसा फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं और उसके बाद उसको ओके कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन बटन आपको किसी सेल पर राइट क्लिक करके या सेलेक्टेड सेल पर राइट क्लिक करके भी प्राप्त किया जा सकता है। जो है आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल करके एक ऑप्शन आएगा, अन्यथा यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के होम रिबन में भी अवेलेबल रहता है नंबर्स नाम से। सेल फॉर्मेटिंग पर हम क्या क्या ऑप्शन और इस्तेमाल कर सकते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेल फॉर्मेटिंग में सीखनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से आपको समझ आ रहा है कि किसी सेल या सेल के समूह पर रखे हुए डेटा को हम फॉर्मेट कैसे करें, उसके कलर पर, उसके फॉन्ट पर, उसके फॉन्ट स्टाइल पर हम कंडीशनल वर्क कैसे करें। इसके लिए एक्सेल में होम रिबन पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन मिलता है, वहाँ से आप ये चुनाव कर सकते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको बार स्टाइल में भी दिखाई दे रहा है,
आपको बार में डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको चाहते हैं कि किसी एक डेटा सीरीज में से आपको उन लोगों के नाम मिल जाए जो टॉप 2 हैं या टॉप 10%, उसमें से आपको ढूंढना है, तो इस तरह के विभिन्न जो है ऑप्शन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर एक्सेल की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, ऑप्शन है, जिससे आपके बहुत सारे काम सरल हो सकते हैं। किसी एक सेल पर आपने कोई डेटा लिखा है, आप चाहते हैं कि इस डेटा को कॉपी ना करके इसमें इस्तेमाल की गई फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करें। तरीका एक, आप उस फॉर्मेटिंग को याद करें, क्या क्या उसमें इस्तेमाल कर रखे हैं। फिर दूसरे सेल पर जहाँ उनको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ जा कर के उस सेल को सेलेक्ट करें और एक एक करके अप्लाई करें, जो कि थोड़ा कठिन है, दुरू है, जिसके लिए आपको सब याद रखना पड़ेगा, उसका फॉन्ट कितना है, फॉन्ट साइज़ क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है। दूसरा तरीका यह है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग आप किसी दूसरी जगह पर भी चाह रहे हैं, दूसरे सेल पर भी चाह रहे हैं, तो उस सेल को आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर जो कि होम रिबन के जस्ट बाईं ओर पहला ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड टैब ग्रुप पर, उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए। जिन अन्य सेल पर आप चाह रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, उन सेल को सेलेक्ट कर दीजिए। जो ही आप ये प्रोसेस संपन्न करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी, न कि डेटा कॉपी नहीं होगा। डेटा दोनों सेल में भिन्न है, भिन्न रहेगा, लेकिन उस सेल में जो प्रीवियस सेल पर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी थी, ये फॉर्मेटिंग अपने आप दूसरे सेल पर भी अप्लाई हो जाएगी। सेल को हम किस प्रकार मर्ज कर सकते हैं? मर्ज का अर्थ यह है कि आप कई सारे सेल को एक सेल बनाना चाह रहे हैं। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में 4 से 5 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन टेबल के एक हम हेडिंग देना चाह रहे हैं जो सारे कॉलम के लिए कॉमन हो। तो हमें क्या करना होगा, जिस जगह पर हम हेडिंग देना चाह रहे हैं वहाँ पर एक ही सेल होगा, कोई कॉलम नहीं होगा, तो उतने सेल आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि चित्र में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इसको मर्ज एंड सेंटर के नाम से जानते हैं, ये आपको होम रिबन पर मिलेगा। ऑटो फिट ऑप्शन क्या है, किस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको चित्र में कॉलम ए और रो वन अर्थात सेल A1 पर ### के साइन बने हुए नज़र आ रहे हैं, अर्थात ये इस बात की पुष्टि करता है इस सेल पर लिखी हुई डेटा वैल्यूज़ इस सेल के आकार से बड़ी हैं, इस सेल का साइज बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप सेल के हेडर पर अर्थात कॉलम के हेडर पर, जैसा कि चित्र में माउस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस आकार का आइकन आने के बाद अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्वतः ही जितना इस सेल में वैल्यू रखी है उतना विड्थ जो है अपने आप बना लेगा। दूसरा चित्र जो आपके दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है वो क्लिक करने के बाद का है, अर्थात उसने डेटा के अकॉर्डिंगली अपनी विड्थ ऑटोमेटिक फिट कर ली है, ऑटोमेटिक सेट कर ली है, इसी चीज़ को हम ऑटो फिट के नाम से जानते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, इस पर पहले भी एक बार बात किए थे किस तरीके से हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम फाइंड और रिप्लेस फॉर्मेटिंग पर बात कर रहे हैं अभी। तो हम एक जगह की फॉर्मेटिंग को, एक जगह के स्टाइल्स को भी दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी एक्सेल हमें सुविधा देता है, जिसको हम सेल फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। वर्कशीट पर और हम क्या क्या नए फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, आइए उस पर कुछ बात करते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह का पैटर्न किन्हीं सेलेक्टेड सेल को देना चाह रहे हैं, वो भी आपके पास सुविधा है। आप उन सेल के समूह को, उन रो और कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न्स हैं या प्री फॉर्मेट हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल पर जा कर के राइट क्लिक कीजिए उस सेलेक्टेड सेल पर, उस सेलेक्टेड सेल के ग्रुप पर, और फॉर्मेट सेल ऑप्शन पर जा कर के आप ये काम कर सकते हैं, उनको विभिन्न प्रकार का पैटर्न दे सकते हैं, वो किस प्रकार की लिखावट में आए, उसका फॉन्ट साइज़ क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो इत्यादि। अगर आप ये चाहते हैं किसी सेल को या सेल के समूह को
कोई बॉर्डर अप्लाई करना है, या बॉर्डर का कुछ अलग तरह का कलर हो, या बॉर्डर डॉटेड स्टाइल में हो, बॉर्डर के विभिन्न स्टाइल हो, तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आप ये काम भी कर सकते हैं। किसी एक सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको उन सेल को, उस सेल को या सेल के उस समूह को सेलेक्ट करना होगा, फिर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पर जाएंगे, जहाँ पर आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा। अब बॉर्डर में आप विभिन्न प्रकार से बॉर्डर कलर, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर के टाइप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इत्यादि चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से एक्सेल में रखे हुए डेटा को, जो विभिन्न रो और कॉलम के मध्य विस्तारित है, समाया हुआ है, उसके सेल स्टाइल अर्थात उसके कलर स्टाइल पर आप बदलाव कर सकते हैं। चित्र में आपको स्टाइल विभिन्न प्रकार की दिखाई जा रही हैं। अपने सेलेक्टेड जो सेल है या सेल का जो समूह है, उनको सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एक स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल इत्यादि इस तरह की स्टाइल में परिवर्तित हो जाएगा। एक और बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, चार्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी ह्यूज डेटा को अगर आप डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, उसकी समझ बढ़ जाती है, उस डेटा को समझना आसान हो जाता है, तो ये सुविधा एक्सेल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से हम अपने डेटा को, जो कि बहुत ही ह्यूज मात्रा में है, चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से समझने लायक बना सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, इस सुविधा को हम चार्ट कहते हैं, जो कि हम एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक डेटा सीरीज को पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। चार्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, और भी अन्य प्रकार के। तो किस डेटा सीरीज को आप किस चार्ट से शो करना चाह रहे हैं, ये आपके अपना विवेक का अधिकार है। आप अपने अनुरूप जो आपको लगता है समझने में सहायक है। हम ज़्यादातर देखते हैं लोग समझने में सबसे आसान कॉलम चार्ट को समझते हैं, तो कॉलम चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है पाई चार्ट आसान है, पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य चार्ट और पाई चार्ट का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो एक विशेष बात निकल कर आती है। पाई चार्ट से आप एक ही तरह की डेटा सीरीज को शो कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की डेटा सीरीज को आप शो नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं हमारे पास एक डेटा है जो ये बताना चाहता है, या जिस डेटा से ये दिखाई देता है कि एक स्टूडेंट है किसी क्लास में एक्स वाई जेड, उसके चार सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए, एक स्टूडेंट के चार सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों में कितने नंबर आए, तो इस तरह का डेटा हम पाई चार्ट के माध्यम से शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारे कक्षा में 5 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, जिन बच्चों ने हर विषय में, अगर हम 4 विषय मान लें, हर विषय में परीक्षा दी, तो हर बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक विषय में कितने मार्क्स आए, तो इस तरह की डेटा सीरीज पाई चार्ट दिखाने में असमर्थ है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, आपको ध्यान रखनी होगी कि पाई चार्ट सिर्फ एक ही तरह की डेटा सीरीज को शो कर सकता है, मल्टीपल तरह की डेटा सीरीज को शो करने में पाई चार्ट असमर्थ है, इनकैपेबल है। तो इस तरह की डेटा सीरीज को दिखाने के लिए आप अन्यत्र प्रकार के चार्ट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से हम चार्ट पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है चार्ट के कलरिंग स्कीम्स आपको दिखाई दे रही हैं, स्टाइल्स में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि आप अपने डेटा को जो है बदल सकते हैं, अर्थात आप नया डेटा उन्हीं चार्ट के माध्यम से दोबारा से पुनः रिफ्रेश करके दिखा सकते हैं। आप दोबारा से सेलेक्ट डेटा पर क्लिक कीजिए, चित्र में जिस प्रकार दिखाई दे रहा है, अपनी डेटा सीरीज अगेन सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास ये भी सुविधा है, अभी तक आपका जो चार्ट रो और कॉलम वो दिखा रहा था, अब वो स्विच भी हो सकता है, कॉलम वाली वैल्यूज रो वाली वैल्यूज कॉलम वाली दिखाएंगे, सिर्फ चार्ट में, ओरिजिनल डेटा में कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर आप चार्ट का टाइप बदलना चाहते हैं, कोई नया अलग तरह का चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी आपको सुविधा है। डायग्राम में दिखाए जा रहे आइकन पर आप क्लिक करके चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगर चार्ट में आप टाइटल देना चाह रहे हैं, चार्ट में आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, उनके नाम देना चाह रहे हैं, लेबल देना चाह रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको चार्ट लेआउट जो आपका रिबन है उसमें मिलते हैं वन बाय वन। और
अगर आप माउस का पॉइंटर इन ऑप्शन के ऊपर ले जाते हैं तो आपको टूल टिप भी मिलती है कि आप इस टूल से क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है तो आप लेजेंड्स में जाकर के टाइटल में क्लिक कर दीजिए और आपको लिखने के लिए प्लेस आ जाएगा, प्लेस होल्डर, जहाँ पर आप चार्ट का टाइटल लिख सकते हैं, ये चार्ट क्या चीज़ शो कर रहा है। चार्ट को अपने अनुरूप आप बदलाव कर सकते हैं, उसके कलरिंग स्कीम बदल सकते हैं, उसके डेटा सीरीज को आप चार्ट के साथ शो कर सकते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण ऑप्शन एक्सेल में चार्ट फैसिलिटी के तहत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चार्ट में अगर आप कुछ अपने अनुरूप एक्सटर्नली शो करना चाहते हैं तो ऑटो शेप्स के माध्यम से भी, जैसे चित्र में दिखाया गया है, इस्तेमाल करके उसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उस पर। तो चार्ट पर हम जो बात कर रहे थे उस पर आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, चार्ट का जो है कलर बदल सकते हैं, उसका सोर्स डेटा बदल सकते हैं, चार्ट का टाइप बदल सकते हैं, चार्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, इत्यादि चीज़ें। किस तरीके से चार्ट टाइप आपको मिल सकते हैं ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कितने तरह के चार्ट आपको अमूमन हो सकते हैं। यहाँ पर बिंदुवार नाम लिखे गए हैं और हर एक चार्ट टाइप के कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, आप उसमें से कौन से फॉर्मेट को पसंद करते हैं। बात करें अगर कॉलम चार्ट की तो कॉलम चार्ट पर भी विभिन्न प्रकार के कॉलम दिए गए हैं, कोई रोल शेप में है, कोई पिरामिड शेप में है, कोई जो है कॉलम शेप में है, अलग अलग तरीके से। तो ये भी हमारे पास एक सुविधा है, ये काम इस पर कर सकते हैं। सोर्स डेटा बदलने की बात आ रही थी, जैसा हमने बात करी लेआउट पर, ये ऑप्शन था कि हम चार्ट का जो है डेटा अगर बदलना चाहते हैं, चार्ट का टाइप वही रहे मगर चार्ट में शो हो रहा है डेटा बदल जाए, तो हम सोर्स डेटा पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम चार्ट पर ही महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। और चार्ट को फाइनली अगर आप चाहते हैं उसको सेव कर दें एज ए टेम्पलेट, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ताकि अन्य बार आप उसी प्रकार के चार्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका टेम्पलेट भी क्रिएट आप कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा किस प्रकार से हम एक्सेल के विभिन्न बिंदुओं पर जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चीज़ें, अपने ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, और चार्ट पर हम किस प्रकार काम कर सकते हैं ये हमने देखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम बात करते रहेंगे और बिंदुओं पर। नमस्कार।